आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्नैक लवर पे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, दिखाइए थोड़ा, ये हम लोग ऋषि कुंड आए हैं और हमारे पास काफ़ी सारे स्नैक हैं जिन्हें हमने पिछले दो दिनों में रेस्क्यू किया है और हम लोग उन्हें लेकर नेचर में आ गए हैं। आप देख सकते हैं साथियों, काफ़ी सारे स्नैक्स हैं हमारे पास और आज हम आपको ढेर सारे सांप दिखाने वाले हैं। स्नैक से भरा हुआ बैग, चलिए अब हम इसे लेकर जगह पे पहुंचते हैं और फिर एकत्र करके इसे रिलीज करेंगे और आपको इनसे जुड़ी जानकारी भी देते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ नेचर में आ गए हैं और आप जैसा देख पा रहे हैं कि हमारे पास काफी सारे स्नैक्स हैं जिन्हें हम लोगों को रिलीज करना है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, हम एकत्र करके सब स्नैक को रिलीज करते हैं और आपको उनसे जुड़ी जानकारी देते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम शुरुआत कर रहे हैं अपने नॉन वेनमस स्नैक से, जो कि है दोस्तों कॉमन बुल चिकन। तो हम लोग इधर छोड़े हैं, सबसे पहले आइए हम दिखाते हैं आपको बेबी स्नैक। सबसे छोटा है और बहुत प्यारा लगता है देखने में, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों इसके ऊपर जो है ये व्हाइट कलर का पैटर्न होता है, एक्स टाइप से बना हुआ होता है, जिससे देखने में यह पहचाना जाता है। तो चलिए इसे हम यहाँ छोड़ देते हैं। देख सकते हैं ये झाड़ियों में जा रहा है और अब हमारे पास दो वैसे ही स्नैक है, एडल्ट है, ये भी कॉमन बुल स्नैक है दोस्तों। अब देख सकते हैं दोनों ही लार्ज साइज है। तो अब देख सकते हैं ये एक उल्फ स्नैक है, ये बाइट ले रहा है और काफी घबराया हुआ है, ये बहुत काटता है। आप देख सकते हैं ये बार बार काटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसे खतरा लग रहा है, खतरा लगने पर अक्सर जो है सांप बाइट करते हैं। चलिए इसे हम रिलीज कर देते हैं। आप देख सकते कितनी तेजी से यह भाग रहा है। चलिए मिथुन जी, अब उसको भी रिलीज कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चेकर्ड किलबैक स्नैक, पानी वाला ढोर सांप, वाटर स्नैक हम लोग कहते हैं। निकालिए इसको भी और दोनों में हम डिफरेंस बताएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास दो वाटर स्नैक चेकर्ड किलबैक स्नैक है और दोनों का ही डिफरेंट कलर है। जहाँ यह कॉमन है ये तो अक्सर हर जगह मिल जाता है, ये थोड़ा सा रेयर मिलता है क्योंकि इसका जो है बॉडी सामने से दिखाइए, क्योंकि इसका बॉडी आप देख सकते हैं जहाँ इसका ब्लैक में है और चेक चेक बना हुआ है, ये थोड़ा रेड कलर का है, ऑरेंज कलर मिक्स है। और ये सांप थोड़ा कम मिलता है, हालांकि ये भी बहुत मिलता है। दोस्तों हम बताना चाहेंगे, इसमें एक ऐसा प्रजाति होता है जिसके गर्दन पे लाल कलर होता है, तो वैसा अगर किलबैक स्नैक आपको मिलता है तो उससे खास सावधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि वो स्नैक जहरीला होता है। ये जो स्नैक है हमने पकड़ा है ये जहरीला नहीं है, लेकिन ये अगर काट लेता है तो इन्फेक्शन होता है। तो ऐसे इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको एक टेटनस का इंजेक्शन लेना है, तो होता है 24 घंटे के अंदर, फिर आप खतरे से बाहर होते हैं। बाय द वे, अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया तो हो सकता है कुछ दिनों बाद वहां से इन्फेक्शन शुरू हो जाए, इसलिए ऐसा सांप अगर बाइट करता है तो आप एक इंजेक्शन ले लीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। चलिए हम इसे फील्ड में ही रिलीज करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये फॉल्स कोबरा, जैसा मैंने कि अपने हर वीडियो में बताया है कि ये फॉल्स कोबरा का नाटक करता है, थोड़ा सा अपना हुड फैलाकर चपटा करके गर्दन को दिखाने की कोशिश करता है कि ये एक वेनमस स्नैक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता है। हालांकि ये बहुत हमलावर होता है, ये बार बार बाइट करता है। चलिए अब ये झाड़ियों के करीब पहुंच गया है और ये अदर किलबैक स्नैक दूसरा वाला, चलिए ने जाने दीजिए। तो हम लोगों ने इसे भी रिलीज कर दिया है। दोस्तों ये सांप जो है काटने के लिए बदनाम होते हैं, बहुत हमलावर होते हैं, थोड़ी सी छेड़छाड़ से ही अक्सर गुस्सा जाते हैं और बहुत जल्दी बाइट लेते हैं, लेकिन वेनमस नहीं होते, ये एक अच्छी बात है जिससे लोगों को खतरा नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगला स्नैक हमारा कॉमन सैंड बॉय, जिसे हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे मिथुन जी हैं और ये सैंड बॉय स्नैक को काफी बड़ा साइज है इसका। और दोस्तों ये अगर घबराया नहीं हो तो बिल्कुल भी बाइट नहीं करता है, ये तभी बाइट करता है जब ये घबराता है और थोड़ी देर बाद इसे एहसास हो जाता है कि इसे जब खतरा नहीं है तो ये बाइट नहीं लेता है और बहुत ही शांत सांप होता है और अक्सर खेतों में ही पाया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है जो अंडे नहीं बच्चे देता है,
तो ऐसा 30% सांप जो है बच्चे देते हैं और 70% सांप अंडे देते हैं। तो ये उन्हीं में से एक है जो कि बच्चों को जन्म देता है। एक बार में 10 से 12 बच्चे होते हैं इसके, तो और यही सीजन है जब ये बच्चे को जन्म देता है। तो चलिए इसे हम लोग रिलीज करते हैं। यह थोड़ा धीमा सांप होता है दोस्तों, जल्दी भागता नहीं है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, धीरे धीरे यह झाड़ियों की तरफ सरकने लगा है और कुछ ही देर में यह लापता हो जाएगा झाड़ियों में। दोस्तों ये एक ऐसा सांप है जो मिट्टी के अंदर बिल खुद भी बना लेता है, क्योंकि ये मिट्टी में रहने वाला सांप है। और ये इसकी पूंछ आप देख सकते हैं, यह काफी ज्यादा कड़ी होती है और इसे कई जगह दुमुहा सांप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि लोग जो है कहते हैं कि 6 महीना मुंह आगे होता है, 6 महीना पीछे होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, यह जो है इसका पूंछ एक हथियार, एक छद्मावरण की तरह काम करता है। यह नॉन वेनमस होता है, इसलिए जब कोई शिकारी इसे पकड़ता है तो यह स्नेक जो है अपनी पूंछ उसके सामने कर देता है। और इसकी पूंछ आप देख सकते हैं काफी कड़ी है, काफी मजबूत है, जिससे कि अगला सांप जो है इसको खा नहीं पाता है और इसे भागने का रास्ता मिल जाता है और दूसरी तरफ से यह अपने मुंह की तरफ से भाग जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह यह झाड़ियों में जा रहा है और धीरे धीरे यह लापता हो जाएगा। तो इसे छिपने की जगह मिल गई है और यह चला। फ्रेंड्स अगला जो है हमारे पास, ये दो स्नेक है, दोनों ही स्पेक्टिकल कोबरा है। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं खोलते के साथ ही इसने अभी फुफकारा है, और इसमें थोड़ा छोटा है और इसमें एक थोड़ा मोटा है उससे, और काफी बड़ा है। तो चलिए हम निकालते हैं दोनों को। तो ये आप देख सकते हैं काफी शानदार कोबरा स्नेक। आपकी तरह तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्पेक्टिकल कोबरा काफी गुस्से में है और किस तरह से फुफकार रहा है। दोस्तों ये एक जहरीला सांप होता है और इसमें न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। गुस्साने पर यह हिसिंग साउंड निकालता है और बाइट करने की कोशिश करता है। देख सकते हैं दोस्तों, ये कोबरा स्नेक भी काफी गुस्से में है और लीजिए बढ़िया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ये कोबरा खड़ा हो गया है गुस्सा के, और दोनों ही स्पेक्टिकल कोबरा है। तो आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से ये कोबरा स्नेक जो है खड़ा हो गया है और दोस्तों सावधान की मुद्रा में हो गया है। यह दोस्तों हम बताना चाहेंगे, सांप कहते हैं लोग कि बिन की धुन पे नाचते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, सांप बिन की धुन पे नहीं नाचते हैं। ये जिस भी हिलती चीज को देखते हैं उससे इन्हें खतरा महसूस होता है और उसके अनुसार ये अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। जिस तरह अभी हम ये ग्लव्स हिला रहे हैं तो ये कोबरा इसे खतरा समझ रहा है और उसके अनुसार जो है ये अभी अपना एक्टिव मोड में आ चुका है कि अगर इसे खतरा ज्यादा महसूस होगा तो फिर यह बाइट कर लेगा। तो हालांकि दोस्तों जब तक इसे पूर्ण रूप से छेड़ा नहीं जाए तब तक ये स्नेक बाइट नहीं करते हैं और खतरा होने पर ही बाइट करते हैं। तो दोस्तों हम बताना चाहेंगे, इसमें जो है न्यूरोटॉक्सिन पॉइजन पाया जाता है। ऐसा सांप यदि आपको काटता है तो आपको घबराना नहीं है। और ये आप देख सकते हैं दोनों कोबरा एक साथ क्लासिक पोज में आ गए हैं। जब भी यह सांप आपको काटे तो आप हॉस्पिटल जाएं और हॉस्पिटल में एंटी वेनम से अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो आपकी जान बच जाएगी। तो चलिए अब हम इन दोनों को रिलीज कर देते हैं। काफी हम लोगों ने इनके साथ खेल लिया है और अब इन्हें जाने देना चाहिए। हड्डी
तो आपने देखा दोस्तों, हमने दोनों कोबरा को रिलीज कर दिया। हमारे पास है वो थोड़ा रेयर स्नेक है, ये एक दोस्तों एक फॉरेस्टन कैट स्नेक है। ये स्नेक जो है हम बताना चाहेंगे दोस्तों, ये अक्सर पेड़ों पे मिलता है और रात के समय में मिथुन जी ने इसे रेस्क्यू किया था एक अमरुद के पेड़ से। पेड़ पर था, घर वालों ने कॉल किया तो इन्होंने जाकर बड़ी मुश्किल से इसका रेस्क्यू किया। हम बताना चाहेंगे दोस्तों, यह सांप जो है सेमी वेनमस होता है, मतलब आधा जहरीला होता है, लेकिन इसका जहर जो है इंसानों पे ज्यादा असर नहीं करता। अगर ये इंसानों को बाइट करता है तो वहां पर स्वेलिंग आ जाती है। तो आप देख सकते हैं इसकी आंखें जो है वर्टिकल है और इसके ऊपर जो है ये लाइनिंग्स होती है और जो चेक पैटर्न होते हैं, और साथ ही साथ ये काफी लंबा होता है और जल्दी गुस्सा जाता है। गुस्साने पर ये जो है एस के तरह आकार बनाता है और उसके बाद यह बाइट लेता है। अभी इसने हिसिंग साउंड ली और फिर यह बाइट कर रहा है। तो हम दिखाना चाहेंगे आपको, इसकी आंखें जो है ये वर्टिकल होती है और काफी ज्यादा सुंदर होता है यह स्नेक, और पेड़ों पर रहता है और अक्सर जो है छोटे छोटे चिड़िया को और जो पेड़ों के आसपास रहने वाले बिल में कभी कभी चूहे को खाता है। और दोस्तों ये दिन में अक्सर पेड़ों में ही छिप जाता है, कहीं किसी दरार में, किसी खो में, और छिप के बच्चों चिड़िया के अंडे खा लेता है। और रात में अक्सर यह नीचे जमीन पर उतर के शिकार करता है, जबकि दिन में यह अक्सर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, काफी प्यारा सुंदर सा स्नेक, तो जिसे हम लोग फॉरेस्ट कैट स्नेक के नाम से जानते हैं। और अभी हम लोग इसे रिलीज करने आए हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी जगह है, ऋषिकुंड फॉरेस्ट का एरिया है और सांपों के लिए इससे अच्छा रहने की जगह और शायद ही कहीं मिले इन्हें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ दोस्तों हम कहना चाहेंगे कि सांप बचाइए, सांप बचाइएगा तो पर्यावरण बचा रहेगा। सांप हमारे दुश्मन नहीं है, तो सांप हमें काटने नहीं आते, वो बस शिकार की तलाश में गलती से हमारे घरों में आ जाते हैं। तो इन्हीं चंद बातों के साथ हम इसे यहीं रिलीज कर देते हैं। आइए, आप देखिएगा हमने इसे रिलीज करते के साथ ये काफी तेजी से भागेगा। तो आप देख सकते हैं जैसा कि हमने बताया अभी कि यह पेड़ों वाला सांप है, किस खूबसूरती से पेड़ों पर चढ़ रहा है पेड़ों की तरफ।
करते हैं, आपको हमारे स्नेक रिलीजिंग वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल अभी सब्सक्राइब करें, जिससे सांपों से जुड़ी और भी जानकारियां आप तक पहुंच सके और सांप बचाने की इस मुहिम में आप भी हमारा सहयोग कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली बार फिर से किसी और स्नेक के साथ। आपका अपना स्नेक लवर निर्मल कुमार, धन्यवाद।